आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड कैसे क्लियर कर सकते हैं, यानी कि ट्रांसपेरेंट इमेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग भी अगर थंबनेल बनाते होंगे तो आपको YouTube का लोगो या फिर Google का लोगो या किसी तरीके का लोगो हो, आपको उसका ट्रांसपेरेंट लोगो चाहिए होता है, उसका बैकग्राउंड क्लियर करके अपने थंबनेल में लगाने के लिए या और भी किसी काम के लिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट आपको बताऊंगा किस तरीके से मैं अपनी थंबनेल वगैरह में ट्रांसपेरेंट इमेज को यूज़ करता हूं और आप कैसे कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुखराज ठाकुर है और आप देखना शुरू कर चुके हैं पुखराज के वीडियो। दोस्तों अगर आपको टेक चैनल में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों आपको मैं अभी लेके चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और वहाँ पे सारी चीज़ें समझाता हूँ कि किस तरीके से मैं अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड क्लियर करता हूँ। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ मोबाइल की स्क्रीन पे, आप देख पा रहे होंगे, और जिस एप्लीकेशन की मदद से मैं इसको करने वाला हूँ उस एप्लीकेशन का नाम है रिमूव बीजी। तो उसकी हेल्प से मैं आपको फ़ोटो रिमूव करके दिखाऊँगा। तो दोस्तों रिमूव बीजी के लिए हमें क्या, सबसे पहले वही चीज़ है कि प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर अपडेट नहीं है तो अपडेट कर लीजिएगा। यहाँ पे जाके सर्च करना है आपको रिमूव बीजी। रिमूव बीजी एक बढ़िया एप्लीकेशन है, इसकी मदद से आप किसी भी एप्लीकेशन का बैकग्राउंड क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको डाउनलोड करूँगा, इंस्टॉल करूँगा, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और कुछ ही देर में ये डाउनलोड हो जाएगा। तो अभी ये डाउनलोड की प्रक्रिया चालू हो गई है दोस्तों, और ज़्यादा नहीं है ये, 2 से 2.5 MB का है ये, और ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो चुका है दोस्तों, और कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। थोड़ा सा मेरे यहाँ पे नेट भी स्लो चलता है, तो डाउनलोड हो चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये रिमूव बीजी है, इस एप्लीकेशन का नाम है, और इसकी सहायता से आज हम अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड क्लियर करने में। दोस्तों देखिए अपलोड इमेज का इस पर यहाँ पे ऑप्शन आ गया, तो आपको सिंपली से इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ एक्सेस मांगेगा, इसको अलाउ करते चले जाना है आपको, और जहाँ भी आपकी फ़ोटो, जो सी फ़ोटो हो, चाहे आप कैमरे से खींचना चाहें या गैलरी में जाके करना चाहें या गूगल फ़ोटो या कहीं पर भी हो, आप उसी एप्लीकेशन में ओके करेंगे। यानी मैं गैलरी में कर लेता हूँ, मैंने एक पहले से फ़ोटो खींच के रखी हुई है तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, और इसने सेलेक्ट कर लिया है। अब कुछ ही अपलोडिंग कर रहा है, और यानी कि इसका बैकग्राउंड क्लियर कर रहा है। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, कुछ टाइम लगता है, थोड़ा सा नेट भी स्लो चलता है तो कई बार थोड़ा सा टाइम ले लेता है, और नहीं तो ये इजीली हो जाता है। जैसे नेट की स्पीड अगर ज़्यादा तेज़ हो तो फटाफट से ये हो जाता है, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें, और इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक फ़ोटो खींची थी और ये इमेज बिल्कुल बैकग्राउंड इसका क्लियर हो चुका है, तो आप देख पा रहे हैं। तो आपको सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है, ये एप्लीकेशन फ्री है, कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगते हैं, तो आप कहीं पर भी इसको ले जाके आप देख सकते हैं। मैंने पिक्सल लैब ओपन कर लिया है, तो उस पर ये देखिए ये बिल्कुल क्लियर हो गई। तो इस तरीके से दोस्तों अपने इसको आप क्लियर कर सकते हो। मैं आपको जैसे हम थंबनेल वगैरह बनाते हैं उस पर भी मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये आता है ये, तो क्योंकि आप लोगों को भी कभी काम करने में दिक्कत आती होगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको, फ़ोटो मेरी आ गई होगी गैलरी में, ये देखिए यहाँ पे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, तो इस तरीके से हर यूट्यूबर अपने थंबनेल पे लगाने के लिए ऐसी सारी एप्लीकेशन यूज़ कर लेते हैं। चाहे तो आप इंटरनेट से फ़ोटो या यूट्यूब का लोगो या बहुत सारी जो भी चीज़ आप डाउनलोड करना चाहें तो उसका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी वीडियो में इसको यूज़ कर सकते हैं और अपना थंबनेल में कहीं पर भी यूज़ कीजिए। और क्योंकि मैं काफ़ी दिन से ढूंढ रहा था तो इस एप्लीकेशन की मदद से, और मैं भी यही काम करता हूं, तो मैंने सोचा आपको भी बता दूं। आई होप कि दोस्तों आज का वीडियो ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलता हूं किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।